Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. So students, last video में हम अपना chapter पढ़ रहे थे consumer awareness, जो कि हमारा last chapter है, chapter number 14, ठीक है? तो हम लोगों ने इसमें देखा था rights of consumer भी देख लिया था और duties of a consumer क्या होती है वो भी देख लिया था. तो इसके दो part आ चुके हैं. जो लोग पहली बार आके इस video को देख रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा कि जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले इसका पार्ट वन और पार्ट टू देखें, उसके बाद देखें ताकि उनको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ सके. तो आज हम अपना लास्ट चैप्टर कंज्यूमर अवेयरनेस इकोनॉमिक्स का आज ही पूरा कंप्लीट करेंगे और अपना सिलेबस भी आज कंप्लीट कर देंगे. इसके बाद हम अपना रिविजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो आज देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? जो हमें देखना है उसका क्या टॉपिक का नाम है, फूड एडल्ट्रेशन. क्या है? फूड एडल्ट्रेशन. तो अब ये फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक? तो देखो, एक पहले देखो एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना. क्या होता है? मिलावट करना किसी चीज की, मतलब किसी भी सामान में कुछ मिला इला के उसकी क्वालिटी को क्या करना, खराब करना, ठीक है? तो यहां पर लिखा है फूड एडल्ट्रेशन. तो फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? फूड में क्या करना, मिलावट करना, खाने के सामान में क्या कर देना, मिलावट करना, जिससे क्या हो रहा है हमारी हेल्थ को, ठीक है? बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है या फिर बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, मतलब कम एज में ही बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, जिसके बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं. किसकी वजह से हो रहे हैं? फूड एडल्ट्रेशन की वजह. क्योंकि आजकल लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मिलावट कर रहे हैं, हर जगह केमिकल मिला हुआ है, ठीक है? दूध में पानी मिला हुआ है, तो इस तरह की बहुत सी चीजें हो रही है, ठीक है? तो अब जो चिली पाउडर आता है उसमें ब्रिक पाउडर मिला जाता है, मतलब जो ब्रिक होता है ना, ईटा, ईटे, उसको मतलब उसके जो लाल लाल रंग को मिला दिया जा रहा है मिर्ची वाले पाउडर में. तो ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ पैसा कमाने के लिए, ठीक है? कम सामान में ज्यादा पैसा कमा लेंगे, इसलिए तो इसलिए ही ऐसा हो रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो सिंपल सी चीज है फूड एडल्ट्रेशन. तो फूड एडल्ट्रेशन का मतलब समझ लेना, जब फूड में किसी भी तरह की मिक्सिंग होने लगे, मिलावट होने लगे, उसकी क्वालिटी खराब कर दी जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, फूड एडल्ट्रेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ एडिंग केमिकल सब्सटेंसेस. क्या क्या जा रहा है? जब उसमें क्या मिला दी जाए, केमिकल सब्सटेंसेस मिला दी जाए. कहां पर मिला दी जाए? टू फूड. किसमें? फूड में. विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ फूड, जो कि क्वालिटी को क्या कर दे, फूड की खराब कर दे. समझ में आई बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड एडल्ट्रेशन. सिंपल था. अब देखो क्या है फॉर्म्स ऑफ एडल्ट्रेशन. फॉर्म्स मतलब किस किस तरह से एडल्ट्रेशन होता है. तो नंबर वन पर है मिल्क एडल्ट्रेशन. इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में अगर क्वेश्चन बनेगा जो 3 मार्क्स वाले हैं तो उसमें 3 पॉइंट पूछेगा, शॉर्ट में बनेगा तो 2 पूछेगा, ठीक है? और अगर पूछता है कि व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन और राइट टू फॉर्म्स ऑफ एडल्ट्रेशन, तो डेफिनेशन लिखना और उसके 2 फॉर्म लिखना, ठीक है? इतना छोटा छोटा नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखा है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और सारे चैप्टर के मैंने नोट्स दे दिए, बस कंज्यूमर अवेयरनेस का बच्चा है तो वो आप लोग ले लेना. बाकी इसके पास नोट्स नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके नोट्स को डाउनलोड कर लेना इकोनॉमिक्स के पूरे चैप्टर्स की, ठीक है? तो नंबर वन पर क्या है, मिल्क एडल्ट्रेशन. तो मिल्क एडल्ट्रेशन का मतलब सिंपल सी चीज है, कैसी मिलावट हो रही, कैसे एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिल्क में मिलावट हो रही है, दूध में. क्या हो रहा है दूध में जी? दूध में पाउडर मिलाया जाता है, पता होगा आपको, पानी तो बहुत फेमस है, ठीक है? वाटर मिलाया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, क्या हमें प्योर मिल्क मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है. जबकि आज से पहले जब हम लोग को प्योर मिल्क मिलता था, तो आप याद करो पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, एटलीस्ट एवरेज एज नॉर्मली जो हमारे दादा वगैरह थे वो 70 इयर्स तो जीते ही थे. लेकिन आज के टाइम में क्या है, इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई हैं, ठीक है? लोग बीमार हो रहे हैं जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी जो है कोई ना कोई शुगर हो गया, किसी कुछ ना कुछ होता जा रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने ज्यादा एडल्ट्रेशन है तो लोग बीमारी तो होंगे, बाल सफेद हो रहे हैं. तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है. तो उसका रीजन क्या है? एडल्ट्रेशन. क्लियर? तो नंबर टू पर क्या है, एडल्ट्रेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल. अब फैट्स हो गया या ऑयल हो गया, उसमें भी एडल्ट्रेशन हो रहा है. कैसे हो रहा है? देखो, सिंथेटिकल कलर एडेड इनटू फैट्स टू मेक, ये लगा लो यहाँ पर, टू मेक देम जस्ट लाइक घी. घी बनाने के लिए उसमें सिंथेटिकल कलर मिला दिया जा रहा है ताकि वो घी जैसा लगे, ठीक है? और भी हाइड्रोजन ऑयल होते हैं, ठीक है? अननेसेसरी ऑयल जो है उसमें मिला दिया जा रहा है, मिलावट हो रही है. इस तरह की बहुत सी चीजें हो रही है जिसकी वजह से हमें प्योर ऑयल मिल ही नहीं पाता है, फैट मिल नहीं पाता है. तो ये सब रीजन है, इसमें भी क्या हो रही है हमारी, एडल्ट्रेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल. तो सिंथेटिकल कलर मिला दिया जाता है, इतना सा लिख देना खाली बना के,
जिससे जो जिससे वो क्या लगे जस्ट लाइक अ घी, घी की तरह दिखने लगे, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फूड ग्रेन एडल्ट्रेशन। फूड ग्रेन एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अनाज में क्या करना, मिलावट करना। जो हमारे गेहूं आते हैं, चावल आते हैं, राशन आते हैं, बोरी में लद लद के आते हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या मिला दिया जा रहा है, एडल्ट्रेशन किया जा रहा है। किस चीज की मिलावट हो रही है, देखो सैंड की, मिक्सिंग सैंड, रेत को मिला दिया जा रहा है, बालू आता है ना उसको मिला रहे हैं। उसके अलावा क्रस्ट स्टोन, छोटे छोटे पत्थर मिला दे रहे हैं। क्यों, अब इतना एक बोरी है एक क्विंटल का 100 किलो उसमें रखा हुआ है, अब 100 किलो में 4 किलो अगर हम पत्थर डाल दे रहे हैं थोड़ा छोटा छोटा करके, किसी को कौन सा मालूम चल रहा है, कौन देखने जा रहा है। इस तरह की क्या हो रहा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट हो रही है। अगर खाने में भी वो क्या होता है, हमारे आ जाता है, बहुत से लोगों को स्टोन भी हो जाता है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है। और ये एक इससे क्या है, फॉर्म्स ऑफ एडल्ट्रेशन है, मिल्क एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फूड ग्रेन एडल्ट्रेशन। और आपके माइंड में बहुत सी चीजें आ रही, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स। क्या लिखा है, हार्मफुल इफेक्ट्स। तो इसके क्या क्या इफेक्ट, अभी तो हम लोगों ने देखा कि फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, फिर देखा हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ एडल्ट्रेशन देखा, अब हम लोग देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट, मतलब इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। देखो नंबर वन पर, लीड्स टू क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है, जो बहुत सदियों से चली आ रही है, उस तरह की बीमारियां हो जाती है, ठीक है। किस तरह की, भाई अगर तुम्हें प्योर फूड नहीं मिलेगा तो कैसी प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो देयर आर मेनी मिनरल्स ऑयल्स व्हिच व्हेन एडेड टू फूड आइटम्स। जब इस तरह के ऑयल हम लोग फूड आइटम में मिलाते हैं, खाने बनाते हैं, कैन रिजल्ट इन पैरालाइजिंग, कैंसर एटसेट्रा। तो आप कह सकते हो पैरालाइज हो सकते हो, ठीक है, जिसमें हाथ पैर काम नहीं कर सकता है, कैंसर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अबॉर्शन कराना पड़ सकता है। मतलब अबॉर्शन मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं होती लेडी, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्यों होती है, क्योंकि आपके पास एडल्ट्रेशन हो रहा है, इसके इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। तो भाई मिलाना हिलाना बंद कर दो, कोशिश करो, कुछ पैसे कम मिलेंगे, बट फूड एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेहत है, हम है, तो बाकी सारी चीजें पैसे भी आ जाएंगे। सेहत ही नहीं है यार, किसी को मार के पैसे क्या कमाना, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट इतने ज्यादा खतरनाक है, ठीक। नंबर टू पर क्या है, इंक्रीजेस द इम्प्योरिटी इन द फूड। अब क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी इंक्रीज हो रही है किसमें, फूड में, ठीक है। मतलब दिन पे दिन क्या हो रहा है, प्योरिटी कम हो रही है, इम्प्योरिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है फूड में। इतनी ज्यादा मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, इम्प्योरिटी तो इंक्रीज होगी। तो व्हेन वी कंज्यूम इम्प्योर फूड वी आर क्या है, बाउंड टू हैव साइड इफेक्ट्स। भाई अगर आप इस तरह का कंटिन्यूअसली फूड जो है कंटेन करोगे, कंज्यूम करोगे, तो कंटिन्यूअसली उसका इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए सकता है। तो इस तरह की आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत सी बीमारियां मिल सकती हैं, ठीक है। शुगर हो गया, लाइफ टाइम चलता रहेगा, सही नहीं होने वाला है। तो ये सब रीजन है किसके, हमारे फूड एडल्ट्रेशन के, ठीक। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। भाई सिंपल चीज है, अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, सेहत में प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। न्यूट्रिशन मिलना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, किसकी वजह से, हमारे सबसे बड़ा रीजन क्या है, फूड एडल्ट्रेशन। तो इन सब वजह से हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में ले लिया, चलो ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एक और वीडियो बना दूं जिसमें मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जहां इतने दिन वहां एक दिन और सही, ठीक है। तो चलो कल ही वीडियो अपलोड आएगी, वीडियो आएगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करता हूं मैं, अगर एक सेपरेट वीडियो बनाता तो आज ही दोनों वीडियो को अपलोड कर देता हूं और आपका चैप्टर जो है, आपका सिलेबस जो है आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।